I said, just shut up. अगर अपने मुंह से एक और लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शिजा। Hi Wafa. Listen, I'm really sorry about last night. Hi Wafa. Listen, I'm really sorry about last night. हेलो, तुम क्या समझते हो तुम्हारी माफी मांगने से मेरी खोई भी इज्जत वापस आ जाएगी या फिर तुम्हारी बीवी के दिल से वो शक निकल जाएगा जो हमें लेके उसके दिल में बैठा हुआ है? कैसे समझाओगे उसे कि मेरे तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसा नहीं है? बदल पाओगे उसकी सोच को? जब मैं खुद को नहीं बदल पा रहा हूँ तो फिर मैं किसी और की सोच को कैसे बदलूंगा? वफा, मुझसे पूछो तुम कितने बदल चुके हो। जिस शख्स की सुबह मेरी आवाज सुन के होती थी अब वो किसी और की सुबह का तार है। कभी सोचा मेरे दिल पे क्या गुजरती है? हर रोज, हर पल, हर लम्हा मैं तुम्हारी मोहब्बत की आग में चलती हूँ मिसन, और आज तक चल रही हूँ। तुम आज तक अपनी जिद में चल रही हो। जिद ही सही, लेकिन क्या तुम्हें मेरी जिद के पीछे छुपी मोहब्बत नजर नहीं आती? इंसान जिद वहीं करता है जहां उसे अपना हक लगे, अपनी चाहत नजर आए। अगर उसका हक और उसकी चाहत कोई उसे छीन ले तो वो क्या करेगा? बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? वफा, देखो, मैंने कुछ फैसले जज्बात में किए थे जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है उसको हम छीनने की कोशिश में लग जाएं। प्लीज मीसम, किस्मत को कसूर मत दो। किस्मत ने तो हमें कई बार मिलाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी अना और तुम्हारी जिद ने सब बर्बाद कर दिया। देखो क्या हुआ, तुम्हारे भैया तुमसे छिन गए, मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई, वो मोहब्बत जिसे तुमने लालच के तराजू में तोला था। कोई जवाब? वफा, मैं फोन रखता हूं। ओके, हेलो मीसम, अल्लाह हाफिज। कब तक खुद को रोकोगे मीसम? जो बात आज तुम्हारी जुबान तक आकर रुक गई, बहुत जल्द मैं तुमसे उकलवा लूंगी। वफा, कहाँ जा रही हैं? मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है तो बस उसी से मिलने जा रही हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है, भूल गई आप? नहीं, मुझे याद है, वापसी में चले जाऊंगी। तो मैं वापसी पर खुद ड्रॉप कर दूंगा आपको। वकार, मसला पासपोर्ट ऑफिस का नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है वफा? मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? हम वहां बहुत आराम से रहेंगे। ऐसा आप सोचते हैं,
क्योंकि शायद आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और मुखलिस रिश्ता नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं अपने भाई और बहन की कब्र छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। असद भी मुल्क से बाहर जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मेरी बात रखी और सबको मना कर दिया। क्या आप मेरी खातिर ऐसा नहीं कर सकते? वफा, मैं तो आपको सुकून में देखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहती तो मैं हरगिज जबरदस्ती नहीं करूंगा। हर फैसला आपका होगा, आपकी अपनी जिंदगी के बारे में या मेरी। मुझे पता था, मैं जानती थी कि आप मेरी बात समझने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू। You're most welcome. आप अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जाइए। लेकिन प्लीज जल्दी घर आ जाइएगा, मुझे यहाँ दिल लगाना मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जल्द आऊंगी क्योंकि मेरे लिए भी आप मेरी पूरी दुनिया है। क्या हुआ खालब? खालब क्या हुआ? नहीं खालब, आप वफा जी कह के चिल्ला रही थी, क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? हाँ, बहुत बुरा। क्या? मैंने देखा वो वफा है ऐसी एक सुनसान रास्ते पे दौड़े जा रही है, बहुत तेजी से भाग रही है, अम्मी अम्मी पुकार रही है। अरे तुम्हारा नाम भी ले रही थी फरहाद, और तुम्हें भी पुकार रही थी, और अल्लाह को पुकार रही है। जैसे अचानक ना जोर जोर से भाग रही है और दौड़ते दौड़ते जमीन पे गिर जाती है। कई बार कोशिश करती है जमीन से उठने की लेकिन नहीं उठ पाती, कई बार कोशिश करती है फिर हार जाती है, हार के गिर जाती है और सुसकने लगती है वही वही जमीन पे पड़े। और दर्द से करा रही है, वो पुकार रही है मदद के लिए, मगर कोई उसकी सदा नहीं सुन रहा है, कोई नहीं आता है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है और फिर अचानक उसकी सांस उखड़ने लगती है और वो एक गहरा सांस लेती है और फिर और क्या खाला? खामोशी छा जाती और वो खामोश हो जाती। और फिर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द और क्या? और कलमा शहादत पढ़ के उसे अपने साथ ले जाते हैं। ले जाते हैं मेरे पापा को।
तुम यहां क्यों? अपने ऑफिस नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ सवालों के जवाब लेने आई हूं तुमसे। कैसे सवाल? कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। ये अंगूठी के साथ से दी है तुमने मुझे। जरूरी नहीं है कि हर चीज पर हक जताया जाए वफा। लेकिन इंसान अपना हक उसी चीज पर जताता है जिसे वो अपनी समझता है। कल तक ये अंगूठी तुम्हारी थी, इस पे तुम्हारा हक था, इसलिए तुमने अपनी मर्जी से, अपने दिल से ये मुझे पहनाई। लेकिन आज ये अंगूठी मेरी है और इस पे मेरा हक। उसी हक की खातिर मैं तुमसे पूछने आई हूं कि ये अंगूठी तुमने मुझे क्यों पहनाई? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? क्यों खेल रहे हो मेरे जज्बात से? इस अंगूठी पे तुम्हारा हक जरूर है लेकिन मेरे जज्बात पे नहीं। तुमने कल भी मुझे धोखा दिया था और आज भी तुम मुझे पीछे की तरफ धकेल रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम गलत समझ रही हो यार। अच्छा, तो फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम जबरदस्ती अपने हाथों अपनी मोहब्बत का गला नहीं घोट रहे। बोलो मीसम, मैं सुनना चाहती हूं कि कितना हौसला है तुम में और तुम्हारे इस दिल में। Listen, for God's sake, तुम बस चली जाओ यहां से। just go। क्यों? कल तक जो शख्स मेरी आंखों में आंखें डाल के अपनी नफरत का इजहार कर सकता था, आज वो मुझसे नजरें चुरा रहे हैं। हैरत की बात है। या फिर तुम मुझे किसी और के साथ देख के जेलस हो? मैं क्यों किसी से जेलस होऊंगा? क्योंकि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो। नो, तुम्हारे ये लड़खड़ाते हुए कदम ना ही तो ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं और ना ही तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज। और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। एक काम करो, गहरा सांस लो और अपने दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। हर धड़कन के साथ तुम्हें वफा सुनाई देगा। कह क्यों नहीं देते तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ, करता हूँ मोहब्बत, करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। हर एक लम्हा तुम मुझसे दूर रहती हो ना, तो मेरे दिल बेचैन होने लगते। नहीं था एहसास पहले मुझे, कि जब से तुम घर छोड़ के गई हो ना वफा, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मुझे, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, मैं घर में किसी को नहीं देख पा रहा, शीजा को नहीं संभाल पा रहा, मैं मेरी हर तरफ तनाई है। ऐसी तनाई जो मुझे रोज डस रही है। तुम
ये सब कुछ बर्बाद कर दिया मुझसे। मैंने सब कुछ अपने हाथों बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया, वो सब बर्बाद कर दिया, और वो भी सिर्फ अपनी जिद और अना की खातिर। देखो मुझे, ना मैं खुद को खुश रख पा रहा हूं, ना घर वालों को और ना शिजा को। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, काश मैंने तुम्हारी बात पहले मान ली होती। अगर मान ली होती तो आज हम सब खुश होते। बैठो, बैठो। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। मैं सब ठीक करूंगी, सब संभाल लूंगी, घर वालों को, खुद को, हर चीज देख लूंगी। बस तुम कहीं मत जाओ। कहीं नहीं जाओ। कहीं देखा है आपको, मगर याद नहीं आ रहा आपको कहाँ देखा है। असल में देखा होगा। यस, याद आ गया, आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। कुछ उम्र के भी तकाजे होते हैं ना। चल बदनाम है तेरा, वफा का बाप हूँ मैं। आप वफा के फादर हैं। उलिया में मत जाइए, उलिया में मत जाइए। वो जो खूबसूरत सी लड़की है ना वफा, वो मेरी बेटी है, जिसके इश्क में आप गिरफ्तार हैं। दूसरी बात ये है भाई, बात सुन, चक्कर ये ना, जब इंसान के पास पैसा ना हो तो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। जिसके पास करोड़ों अरबों डॉलर हो, रुपये हो, वो 60 का हो भी ना, तो अपने आपको 25 का बताता है, और आप उसकी बात पे यकीन भी कर लेते हैं। आप वफा से मिलने आए हैं ना? आपसे मिलने आए हैं, अपने दामाद से मिलने आए हैं। आजकल तिजोरी खाली पड़ी हुई है, सोचा इतनी हसीन बेटी आपको दी है, थोड़ा सा फायदा हम भी उठा लें। डॉलर ना सही तो रुपए से ही, अगर आपकी तरफ से थोड़े पैसे मिल जाते ना, तो कसम से ये रिश्तेदारी ना मजीद मजबूत हो जाती। करते क्या है आप? जुआ खेलता हूँ, उसी से अपना पेट पालता हूँ। कभी लाखों कमा लेते हैं, और कभी जब जेब खाली हो तो इसको भरने के लिए पत्थर डालने पड़ते हैं। कितने पैसे चाहिए आपको? जितने आप अपनी खुशी से दे दो, हमारा तो कभी पेट भरता ही नहीं है भाई। वफा और मुझ में दोनों में एक चीज बड़ी मुश्तरक है, हम दोनों पैसे को देख के कोई बात नहीं गिन लेता, पागल हो जाते हैं। जहमत करने की क्या जरूरत है, मैं गिन लूंगा ना। अबे गिनने की क्या जरूरत है, जैसे खत्म होते हैं दोबारा चक्कर लगाता हूँ। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रहे, माशाल्लाह। बस बहुत हैंडसम लग रहे हो भाई, बहुत हैंडसम। थैंक यू। अरे तुम्हारा नाम भी ले रही थी फरहाद, और तुम्हें भी पुकार रही थी, दर्द से करा रही है वो, पुकार रही है मदद के लिए, मगर कोई उसकी सदा नहीं सुन रहा है। क्या प्रॉब्लम है, कितनी बार जलील होना चाहते हो मेरे हाथों? वो वफा जी, आपको लेके दिल घबरा रहा था, सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं।
कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, जिंदा भी हूँ, बुखार भी नहीं है। और कुछ पूछना है? जी वफा जी, वो बस मैं ये कहता है खाला आपके लिए। खाला आप आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। वफा कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से फोन कर रहा हूँ आपको। हाँ वो बस रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी, आपकी कॉल का पता ही नहीं चला। आपके अब्बा आए थे। वकार, आपने उनकी किसी बात का यकीन तो नहीं किया ना? वो क्या कह रहे थे? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? अब्बा ना दरअसल बहुत झूठ बोलते हैं, तो बस मैं इसलिए घबरा गई कहीं उन्होंने आपसे कुछ कहना दिया हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने, पैसे मांगने आए थे। और फिर? दे दिए मैंने। वकार, I'm so sorry. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब्बा ना है ही ऐसे। मेरा मतलब है उन्हें चूहे की लत लगी हुई है, किसी का लिहाज नहीं करते। कैसी बातें कर रही हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है वफा, आप उनकी आदत नहीं बदल सकती, बेहतर यही है कि उनकी जरूरत पूरी कर दी जाए। थैंक यू वकार। आप कहीं जा रहे थे? हाँ मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तो तैयार है ना, हम डिनर बाहर करने जाएंगे। ओके, आई लव यू। करता हूँ मोहब्बत, करता हूँ बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। हर एक लम्हा तुम मुझसे दूर रहती हो ना, तो मेरा दिल बेचैन होने लगता है। मामा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोचा आज आपके पास सो जाऊं। आज क्यों बेटा, रोज सो जाया करो मेरे पास, आ जाओ। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे ये बात कहूं या नहीं। इधर खुल के बोलो, क्या बात है? मामा, मैं मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। अब्रॉड? मैं जानती हूँ मैंने आपका भरोसा तोड़ा था, मगर आइंदा मैं ये करने का सोच भी नहीं सकती। I really wanna make you proud. मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँ। मुझे कोई इतराज नहीं, बताओ कहाँ जाना? मामू के पास, लंदन। ठीक है, मैं कल मीसम चाचू से बात करती हूँ ताकि वो सारी डिटेल्स पता कर। थैंक यू सो मच।
ये क्या है? USB है, इसमें लाइबा की सारी पिक्चर्स और वीडियोस से। आज से तुम्हारी अमानत है। थैंक यू सो मच वफा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाजों से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। जानते हो मुझे कभी ये सब चाहिए ही नहीं था, ना दौलत, ना शोहरत, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए था। और आज जब तुम मेरे पास हो तो पूरी दुनिया मेरे साथ है। लेकिन क्या बदले में तुम मेरा साथ निभाओगे? शिजा को छोड़ पाओगे? हाँ, जब तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हो तो फिर मैं क्यों? शिजा मेरी जिंदगी में जबरदस्ती लाई गई थी, जिसे मैं आज भी निभा, लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत बनकर आई थी, जिसे मैंने जीना चाहा था, और आज से मैंने पाना चाहा। मुझे यकीन हो गया कि तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी, वो मोहब्बत जो आज भी मेरी रगों में खून बन के दौड़ रही है। हमारी मोहब्बत में बहुत इम्तिहान गुजरे, आगे भी आ सकते, कहां तक साथ निभाओगे? जहां तक तुम चाहोगे वहां तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। जानती हूं मैंने जिंदगी में दो लोगों से बेहद प्यार किया, एक तुमसे और एक औसत से। तो तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करो, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर असद भाई जैसे 10 भाई कुर्बान कर सकते, इतनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। अपनी किस्मत पे रश करने का दिल कर रहा है। सारी जिंदगी करो नीसम, बस मैं चाहती हूँ कि हमारे कल में कभी भी हमारा माजी बीच में ना आए। इसके बदले में मैं हर चीज वापस देने के लिए तैयार हूँ, बंगला, दौलत, गाड़ी, असद की सारी प्रॉपर्टी। मुझे कभी ये सब चाहिए भी नहीं था, मैंने तो बस तुम्हें पानी की जिद में। लेकिन मुझसे वादा करो कि कभी भी हमारे माजी को मेरे सामने आईना बना के नहीं खड़ा करोगे। थैंक यू सो मच। कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी वेटर। थैंक यू, अभी ऑर्डर डिसाइड करके बता दें। ओके, क्या हुआ तुम्हें? आयु के पता नहीं आजकल बहुत हो रहा है, चक्कर आते एकदम से, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। आई थिंक वीकनेस की वजह से हो गया। वैसे तो डॉक्टर के पास सकते हैं। नहीं नहीं, हम पाएंगे। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं तुम्हारी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चलो शाबाश, बहुत शुक्रिया। तो आ गई तुम्हें मेरी याद।
याद तो आती है तुम्हारी। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें पता है कि मीसम कहाँ है इस वक्त? हाँ ऑफिस में, उसकी मीटिंग थी यार। कितने बजे? टाइम तो उसने बताया नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, मुझसे ऐसे सवाल आप क्यों कह रही हो? वो इसलिए कि तुम्हारे नामुराद शौहर तुमसे इस वक्त झूठ बोल रहा है। झूठ बोला है मतलब? मीसम किसी मीटिंग में नहीं है। अभी 2 मिनट पहले उसको मैंने वफा के साथ देखा है, वो भी अपनी आंखों से। वफा के साथ? Are you sure? हाँ। खैर तुम मेरी बात अभी गौर से सुनो। तुम बस उस पर सिर्फ नजर रखना, अभी मीसम से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेज रही हूँ, वो तुम अपने पास संभाल के रखना, ठीक है? बाय। वकार देख लेगा, तरह तरह के सवाल करेगा। डरने की क्या जरूरत है, एक ना एक दिन सर तो सबके सामने आना ही है। लेकिन सबसे पहले तो नहीं। तुम दोनों यहाँ साथ क्या कर रहे हो? ए वकार अंकल, सो स्ट्रेंज, मैं मार्केट गया था कुछ सामान लेने के लिए और इत्तेफाक की बात है कि वफा भी वहीं थी। अचानक इसे चक्कर आने लगे तो मैं जबरदस्ती हॉस्पिटल ले आया। थॉट इट वाज द बेस्ट थिंग टू डू। बिल्कुल ठीक किया तुमने मीसम, बिल्कुल ठीक किया। तुमने मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं उम्र भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और मेरी बीवी भी, क्यों वफा जी? अब कैसा फील कर रही है? आइए आइए मेरे साथ आइए, तुम यहीं रुको मीसम। अब बकार इलावा मीसम मुझे यहाँ ले आया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो चक्कर तो हर किस्म के होते हैं, खुशी के भी हो सकते हैं, बस इंसान को समझने में देर हो जाती है। मतलब? घर चलकर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, अभी टेस्ट करवा लेते हैं, सच अपने आप पता चल जाएगा। संसार में फंस गई, मैं कब जान छूटेगी इस बुड्ढे से। मेरे पैसे वापस कर। कौन से तेरे पैसे? मुझे धोखा देके तू उस तरह शॉपिंग करती फिरेगी और मैं तुझे करने दूंगा है? रोड पे तमाशा मत लगाओ शराफत, मेरे पैसे वापस करो, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। मेरा प्लॉट बेच के तू क्या समझती है मैं तुझे छोड़ दूंगा? एक एक पाई तुझसे वसूल करूंगा मैं, एक एक पाई। डरो उस खुदा से शराफत, अगर उसने तुम्हारी पकड़ कर ली ना तो तुम्हारी अकड़ कहीं की नहीं रहेगी। चल बे चल, कोई असर नहीं है तेरी बददुआओं में। अगर तेरी बदुआओं में इतना असर होता ना तो अपने लिए कोई दुआ कर लेती, तेरे हालात बेहतर हो जाते। मैंने आज तक तुम्हें कोई बदुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे मेरे बच्चों को सताया ना, तुम भी उसी तरह से तड़पोगे, उसी तरह से। तू भी उसी तरह तड़पे, तू भी जो मुझे बदुआ दे रही ना, अल्लाह करे तेरे साथ भी ऐसा ही हो, तेरे साथ भी ऐसा ही हो, तेरे साथ भी ऐसा ही हो। मेरे पैसे तो शराफत, इसे लैब भिजवा दीजिए, मुझे जल्दी इसकी रिपोर्ट चाहिए होगी। जूस मंगवाऊं आपके लिए? पकार जनाब बहुत घबराहट हो रही है, सब खर्चे। ओके ओके, अब तो आपको यहां से अपने ही घर जाना है। डोंट वरी लिसन, तुम वफा को घर ड्रॉप कर सकते हो? जी वकार अंकल, जरूर। वकार, हमारी गाड़ी खड़ी है, इसकी क्या जरूरत है?
क्यों? वे आए भी तो साथ थी, वापस जाने में क्या प्रॉब्लम है? मीसम तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं वकार अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस घर ही ड्रॉप करना मेरी बीवी को। बहुत हसीन है ना, क्या पता कब और कहाँ किसकी नियत बदल जाए। क्यों मीसम, ठीक कहा ना? अमानत में खयानत तो नहीं होगी ना? Just kidding. जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना चाहिए। क्या पता कल ये हसीन लम्हा हो न हो। कारण कल आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी इमारत घर पहुंच जाएगी। That's really great, Meesam. जा। Go. जाओ जाओ।